हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि मेरे बाइक में सिरेमिक कोटिंग करूंगा तो कैसे करना है, क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके साथ क्या मिलता है आपको दिखाते हैं। तो मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था ये। तो पहले 30 ml का लिक्विड का बॉटल आप देख सकते हैं, और उसके बाद मिलता है एक स्पॉन्ज तरह की, जिसके ऊपर शायद आप लिक्विड दे के धीरे धीरे आप कर सकते हैं बाइक के शाइनी पार्ट पर। और उसके बाद एक स्पॉन्ज या सोल जो भी कह सकते हैं, और वाइप्स मिलता है, दो वाइप्स जिससे आप बाइक क्लीन कर सकते हैं, या जो पार्ट पर आप स्पॉन्ज से रब नहीं कर सकते वहाँ आपके हाथ के उंगली से दे सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले उस स्पंज के ऊपर आठ दस बूंद वो पॉलिश का लिक्विड दे देना। निकल नहीं रहा है धीरे धीरे, तो आपके साइनी पट पर धीरे धीरे रैप कीजिए, जोर से नहीं, क्योंकि लेयर तब नहीं पड़ेगा अच्छे से। धीरे धीरे घिस लेना, मैट पट पर मत देना क्योंकि उसमें असर नहीं करेगा। तो तीन कोटिंग सबसे अच्छा रहेगा। मेरे बाइक में फाइबर पार्ट ज़्यादा है इसलिए तीन बार नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो बार आराम से हो जाएगा, और नेकेड बाइक हुआ तो तीन बार आराम से हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हैं। आप बाइक नया ख़रीदे हो तो ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि बाइक में इतना छोटा मोटा जो खर्च आता है वो इतना जल्दी नहीं आएगा इसके बाद। या हाइड्रोफोबिक है, पानी भी नहीं पकड़ेगा, कलर या धूप में जब बाइक रखते हो तो बाइक का कलर डैमेज हो जाता है, इससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। और जहाँ जहाँ इससे आप रब नहीं कर सकते हैं तो वो वाइप्स दिया हुआ है उंगली के ऊपर, वो वाइप्स दे के उसमें लिक्विड दे के वहाँ आप धीरे धीरे रब कर सकते हैं। तो ऐसे पूरे बाइक का जो शाइनी पार्ट होता है वहाँ पे धीरे धीरे रब कीजिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके देने के बाद पानी भी इसके ऊपर नहीं रहेगा, वो भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा मैं। और R15 के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन रहे तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। तो आप इसको धीरे धीरे क्लीन कर लेते हैं। पहले थोड़ा स्मोकी टाइप का रहेगा पहले लिक्विड देने के बाद, लेकिन आप धीरे धीरे जब पॉलिश करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ज़ोर से मत कीजिएगा, धीरे धीरे। और एक कोटिंग देने के बाद आधा घंटा के बाद और एक कोटिंग आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना चमक रहा है। आप तो मैं पानी डाल के भी दिखाता हूँ आपको कैसे रहेगा। तो आप एक बार देख लीजिए पहले कैसे साइन मार रहा है अभी ग्लास की तरह पूरा। तो आप देख रहे हैं, तो उसके बाद मैं पानी देके दिखाता हूँ आपको कैसे ये लिक्विड काम करता है। तो देखिए देखिए, अब पानी इसके ऊपर नहीं रह रहा है और नीचे चला जा रहा है। तो देख सकते हैं आप कि ये हाइड्रोफोबिक लिक्विड है। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और पास में बेल आइकन की भी जरूर दबाना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू।